हे एवरीवन, ए वेरी वेलकम इन सोशल क्लासेस 9 to 12, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक बेस्ट क्वालिटी फ्री एजुकेशन, जिसके लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 11th में जो बच्चे अभी क्लास 10th पास करके आए हैं, जो अभी 11th में आए और उन्होंने सोचा है कि साइकोलॉजी उनको लेना है। साइकोलॉजी का क्लास 2023 और 4 वाला जो बैच है, अभी जब जो क्लास 11th में आए, उसका क्या सिलेबस रहने वाला है वो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जहाँ पे आपको क्लास 11 और क्लास 12 का पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो बिना किसी देरी के। ओके, सो और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हम आपसे ये सपोर्ट चाहते हैं कि हमारे चैनल को ग्रो करवाने में आप सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए सब्सक्राइब करके सबको शेयर कर दो यार। सो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ओके, सो आपका जो साइकोलॉजी का है वो रिटन एग्ज़ाम 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स का आपका होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। ओके, टोटल होगा आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम में भी सेम होगा, आप जब क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ओके, अभी देखिए आपका जो पहला, मतलब आपका क्लास 10th तक ह्यूमैनिटीज़ में जो आप स्ट्रीम लिया था, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट क्या था? हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, इकोनॉमिक्स था, पॉलिटिकल साइंस था। ओके, बट अभी आपने क्या लिया? अभी आपने साइकोलॉजी लिया, जो आपके क्लास 10th में तो नहीं था। ओके, सो पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज साइकोलॉजी, जिससे आपका 11 मार्क्स आ रहा है आपके फाइनल्स में। ओके, उसके बाद मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके बाद सेंसरी अटेंशन परसेप्चुअल प्रोसेसेस। ओके, उसके बाद लर्निंग, ह्यूमन मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन एंड इमोशन। सो ये जो चैप्टर है साइकोलॉजी के आपके आ रहे हैं क्लास 11th में। ओके, ये चैप्टर्स ना आपको ज़िंदगी में आपको मतलब बहुत कुछ सिखाएंगे, मतलब ये चैप्टर्स बहुत लर्निंग देने के लिए है, ये चैप्टर्स आप बहुत कुछ सीखेंगे। साइकोलॉजी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से आप मतलब बहुत कुछ इनटेक कर सकते हो। ओके, वो उस बाकी सब्जेक्ट की तरह रट्टा मारने वाला नहीं है, ये बहुत एक मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ओके, जिसमें आपका 70 मार्क्स हो रहा है, तो उसमें आपका जो पहला 3 चैप्टर है उससे ज़्यादा मार्क्स होगा, उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। सो इस वीडियो में तो इतना ही। चलो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, आपका सपोर्ट हमारी ज़रूरत है, आपका सपोर्ट हमें चाहिए, आप हमारे लिए मतलब सब कुछ हो यार, तुम बच्चे लोग हमारे लिए सब कुछ हो, एक टीचर के लिए एक बच्चे लोग सब कुछ होता है। सो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड बाय।